अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर करनी चाहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और बेहतरीन दोस्त भी वही होते हैं, और यकीन माने कि जो एजुकेशनल चीज़ें होती हैं या जिस चीज़ का हमें पता होता है वो आगे शेयर करने से हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। कभी भी हमारा इलम चोरी नहीं हो सकता। सो आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारी मेमोराइजिंग पावर जो है वो बहुत कम है, मेमोराइजेशन हमारी बहुत स्लो है कि हमें एक टॉपिक जो है वो याद नहीं होता। देखिए मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर देता हूँ हाउ टू लर्न अ क्वेश्चन जस्ट 5 और 10 मिनट्स। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला पॉइंट क्या है, जस्ट फोकस ऑन योर क्वेश्चन। जब आप एक क्वेश्चन पे एक टॉपिक पे आप फोकस करके पढ़ेंगे, जितनी देर तक आप फोकस्ड नहीं होंगे आपका क्वेश्चन या आपका टॉपिक आप याद नहीं कर सकेंगे, वो याद बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके माइंड में अलग सी चीज़ें चलती रहें, फॉर एग्जांपल आप किताब लेके बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, मेरे फेसबुक पे कोई किसी ने कमेंट तो नहीं कर दिया, या मुझे किसी ने आवाज़ तो नहीं दे ली है, या मैंने इसके साथ क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा मैंने क्या क्या पढ़ना है, किताबों से रिलेटेड ही अगर आप इंग्लिश का कोई सवाल याद कर रहे हैं तो आपके माइंड में साथ ये चल रहा है, मैंने जर्नलिज्म का ये पढ़ना है, मैंने इस्लामियत का ये पढ़ना है, मैंने पंजाबी का ये पढ़ना है, आप कभी भी याद नहीं कर सकेंगे। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो ये है कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, कितने कंसंट्रेट हो के आप सवाल को पढ़ रहे हैं, कितने कंसंट्रेशन से उसे पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके वो माइंड में बैठता जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप सवाल को कैसे याद करेंगे, आपके पास टॉपिक आ गया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी टॉपिक है, हम उसे एक बार पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने उस पर नज़र मारनी है कि क्वेश्चन जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ इसको मैं पहली लाइन से लेके एंड वाले वर्ड तक पढ़ के देखता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। पहली बार पढ़ के आप देखें, रीड आउट करके देखें कि आपने क्या समझा है, आपकी समझ में क्या आया, और उम्मीद करता हूँ कि 50% आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बाकी जहन से ख्यालात निकाल के दोबारा रीड आउट करें, इंशाल्लाह ताला 75% आपको समझ आ जाएगी। तीसरी बार फिर याद करें, तीसरी बार फिर उसे रीड आउट करें, 75% to 80% आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उससे उसमें से देखना है अपने अपने मेंटल लेवल के मुताबिक कि इसमें से सवाल कौन से बन सकते हैं, एग्जामिनर आपसे कैसे सवाल कर सकता है, आपको पता चल जाएगा कि किस बेस पे मुझसे इस टॉपिक में से सवाल आ सकते हैं, आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। जब आप 3-4 दफ़ा एक टॉपिक को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि मुझसे एग्जामिनर सवाल कैसा कर सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ये है कि कंसंट्रेशन और फोकस, कितना फोकस और कितनी कंसंट्रेशन के साथ आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे आपने याद करने बैठ जाना है, ठीक है, आपने किताब खोलनी है, आपने उसे देखना है, 3-4 दफ़ा आपने पहले पढ़ लिया है, उसे आपने याद करना है अच्छी तरह से, आंखें बंद करके पढ़ते जाएं, जहां पे समझ ना आए आंखें खोल लें, दोबारा पढ़ें, फिर आंखें बंद करके पढ़ने लग जाएं, 3 से 4 दफ़ा आपने इस तरह से, उसके बाद आपने लिखना है उसे, किताब आप सामने रखें लिखें, दूसरी बार आप किताब सामने रखें फिर से लिखें, फिर किताब बंद कर दें फिर लिखें, किताब खोलें चेक करें फिर किताब बंद करें दोबारा से लिखें, 5 दफ़ा आपने पढ़ना है उसे, पहले 3 दफ़ा रीड आउट करना है, फिर उसे आपने 3 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, आंखें बंद करके पढ़ लें, फिर किताब खोलें देखें, फिर पढ़ने बैठ जाएं, फिर उसके बाद आपने 3 दफ़ा ये लिखना है, उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट रेस्ट ले लेनी है, उसमें आपने कोई किताब नहीं उठानी, उसमें आपने कोई मोबाइल नहीं उठाना, कोई चीज़ नहीं उठानी, जस्ट आपने बाहर बैठ के आप किसी भी जगह पर जाके बैठ जाएं, टी वी शीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड को थोड़ी देर फ्रेश कर लें, फिर किताब उठाएँ और उसे लिखें, बगैर देखे बगैर पढ़े लिखें, लिख के उसके बाद किताब में चेक करें कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं फिर दोबारा से लिखें। जब ये लास्ट आप 3 दफ़ा लिखेंगे ना, आपके सवाल की जितनी उसमें कोई थ्योरी होगी, जितना उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, जो कुछ भी होगा, फर्स्ट वर्ड से एंड के वर्ड तक वो आपके जहन में नक्श हो जाएगी, वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। और सबसे बेहतरीन तरीका है, और यकीन मानिए 15 से 20 सवाल या 15 से 20 टॉपिक्स इस तरह करके याद कर लें, आपकी मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ जाएगी, आपकी जो वर्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी स्पेलिंग भी बेहतर हो जाएंगी, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बेहतर हो जाएंगी, आपकी रीडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी रीडिंग स्पीड चेंज हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्पीड चेंज हो जाएगी, ईच एंड एवरी थिंग। सिर्फ 15 से 20 टॉपिक्स इस तरह तैयार करें, उसके बाद अगर डिफरेंस नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि सर हमें 15 से 20 टॉपिक इस तरह से तैयार किए हैं, तो डिफरेंस ये आया कि हमारी राइटिंग स्पीड बेहतर भी हो गई है, राइटिंग स्पीड तेज़ भी हो गई है, राइटिंग भी हमारी बेहतर हो गई है, मेमोराइजेशन पावर भी बढ़ गई है, और जल्दी वो सवाल याद भी होने लग गया, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा।
जरा ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि होता है या नहीं होता। अल्लाह ताला सबका हमें ना सिर्फ दुआ में याद रखिएगा, और जो लोग नीचे कहेंगे ना कि स्टूडेंट्स होते हैं जो नीचे कमेंट करेंगे कि एक सवाल याद करने के लिए घंटा तो चाहिए लाजमी, 5 मिनट से 10 मिनट आप दें। सवाल कितना लंबा आपका होता है? कोई आपका सवाल 5,000 वर्ड्स का तो नहीं होता, या 3,000 वर्ड्स का तो नहीं होता, या 1,000 वर्ड्स का भी नहीं होता, 500 वर्ड्स का भी नहीं होता, 100 वर्ड्स मैक्सिमम 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स। तो सवाल आपको रीड आउट करने में कितना टाइम चाहिए? 100 वर्ड्स बंदा 1 मिनट में पढ़ लेता है, 1.5 मिनट में बंदा पढ़ लेता है। पढ़ते जाएंगे, स्टॉप वॉच लगा के चेक कर लें थोड़ा सा, जब आप स्टार्ट लेंगे तो तब जरा मुश्किल लगेगा, बाद में आपकी रीडिंग पावर भी तेज़ होती जाएगी, अच्छी तरह से रीड आउट करने लग जाएंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होती जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग में आपका डिफरेंस खुद ही नजर आने लग जाएगा। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका आमीन आसिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह हाफिज़।